आज म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर वासियों को यह जानकारी दी गई है कि बुधवार 27 अप्रैल को म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के कार्यालय में आयुष विभाग द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। शर्मा जी ने आपको बताया कि कल यानी 27 तारीख को डॉक्टर माननीय डॉक्टर साहब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी के प्रयासों से और उनके दिशा निर्देश के अनुसार कल आयुष डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा कैंप यहां पर लगाने जा रहा है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के अंदर। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही मकसद था कि लोगों को अपील करना। तो आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम यहाँ सारे काउंसिलर बैठे हैं और प्रधान जी हमारे साथ बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं यहाँ पे। आज लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेडिकल कैंप का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे कठुआ के जनता और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ आती है बाहर के लोग भी इस पे आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ये म्युनिसिपल काउंसिल लिमिट के अंदर ही कैंप लगाया जा रहा है, उसके बाहर से भी जो लोग आवाज़ सुन रहे हैं हमारी वो इस कैंप का लाभ ले सकते हैं। कि पत्रकार का वार्ता का मकसद ये है कि हमारी म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस के अंदर अगले कल 27 तारीख को म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस के अंदर हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की दिशा निर्देश की तरफ से जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है आयुष, उसका कैंप कल यहाँ हमारे म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस के अंदर लग रहा है। जो भी कठुआ की जनता और जहाँ तक आपका चैनल की आवाज़ यहाँ तक जाती है, उनको अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ कल आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टरों की एक टीम जहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर बैठेगी और लोगों को फ्री चेक करेगी। साढ़े के ना प्रधान हो रहे, उप प्रधान हो रहे, मेरे भ्रा राहुल हो रहे रखी हुई है। मैं लगता अस बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े सौभाग्यशाली भी हैं कि एक सांसद के रूप से सानू डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मिले हैं। देखो विकास के काम तो अज अकल्पनीय काम हो रहे, चाहे सड़कें का निर्माण होए, पुले का निर्माण होए, अपने स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन की गल होए, लेकिन उदे नाल नाल एक परिवार का बड़ा होने के नाते हो, देखो साढ़े सेहत का भी ख्याल रखा गया। और विभिन्न कहना माध्यम जी एंबूलेंस की गल की, कल कैंप की गल होए, ऐसी अनेक कहना उन्हें एक्टिविटीज़ की, उन्हें दसिया कि मैं विकास की मेरी प्राथमिकता आई ही है, उसके नाल नाल स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना एक घर के बड़ा होने के नाते ये भी उनकी प्राथमिकता है। प्रधान जी ने सारा विषय आप सामने सबके सामने रखा है कि हमारे जो लोकप्रिय नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर साहब की तरफ से उनके दिशा निर्देशानुसार कल कठुआ में जो हमारी म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ है, जो ठीक रामलीला ग्राउंड के साथ हमारा ऑफिस है, वहाँ पे 11 से 4 बजे तक लेकर जो आयुष्मान कैंप लगने जा रहा है, जिसमें सॉरी डॉक्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से कैंप लगने जा रहा है, जिसमें जनरल फिजिशियन रहेंगे, जो लोगों को जनरली जो आजकल आज की डेट में दिक्कतें रहती है, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ऐसी जो बीमारियाँ जो जनरल रहती हैं लोगों को, अमूमन रोगों में रहती है, उसको डायग्नोज करके उनको उसी अकॉर्डिंगली दवाइयाँ देंगे। और कोरोना के टाइम भी उस डिपार्टमेंट ने काफ़ी वार्ड्स में हमारे कैंप लगाए थे, तो आज कल म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ में कैंप लगने जा रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे प्रधान जी ने भी ये विषय आपके सामने रखा, इससे पहले भी हमारे केंद्रीय मंत्री जी द्वारा डॉक्टर ऑन व्हील्स करके एक जो एम्बुलेंस गांव-गांव जाकर लोगों का चेकअप कर रही थी, वो भी एक बहुत ही सराहनीय प्रयास था, जिसमें लगभग कठुआ के 84 गाँव 84 गाँवों को कवर